नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। चलिए आज की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा से आई खबर के साथ, जहां बिजली के दो ट्रांसफार्मर्स में आग लगी और एक ट्रांसफार्मर के फटने के बाद हड़कंप भी मच गया। दमकल विभाग ने भड़कते हुए शोलों पर काबू पाया है। ओवरलोडिंग और जर्जर तार के कारण ये ब्लास्ट हुआ, ये आशंका जताई जा रही है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, ये ठीक खबर है, लेकिन जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ और जैसी तस्वीरें आईं, आसपास के लोगों के बीच में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी और जर्जर तारों की स्थिति की वजह से ये तस्वीरें सामने आईं। हालांकि कोई हताहत नहीं है, ये राहत की खबर है, लेकिन देर रात की इन तस्वीरों ने आसपास के लोगों को हड़कंप में ला दिया। देखिए, चलती सड़क के पास ट्रांसफार्मर को और जलते देखा गया, शोले जिस तरीके से भड़क उठे, अचानक से तमाम लोगों ने इन तस्वीरों को देखा। यहां पर दमकल विभाग ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, वरना यह आग फैल सकती थी। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा से दो ट्रांसफार्मर में आग की तस्वीरें आई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।